प्रदेश सरकार ने रूसा सिस्टम को खत्म करने के लिए घोषणा तो कर दी है, लेकिन कॉलेजों में एडमिशन सिस्टम शुरू होने पर रूसा सिस्टम के तहत एडमिशन ही की जा रही है, जिससे छात्रों को सरकार के फैसले पर आश्चर्य हो रहा है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में नए सत्र के लिए 24 जून तक एडमिशनें की जा रही हैं और 25 जून को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन एडमिशन के लिए आ रहे छात्रों को कॉलेज पहुंचकर पता चल रहा है कि पुरानी पद्धति के आधार पर ही एडमिशन की जा रही है। कॉलेज छात्रों का कहना है कि जैसे पहले एडमिशन होती थी वैसे एडमिशन हो रही है और रूसा खत्म करने की बात बिल्कुल झूठ है और सरकार ने छात्रों को गुमराह किया है। छात्रों का कहना है कि एडमिशन के लिए पुरानी पद्धति ही अपनाई जा रही है। छात्रों का कहना है कि सरकार ने रूसा सिस्टम तो खत्म कर दिया है, लेकिन एडमिशन पहले से ही जारी है, जिससे सरकार ने रूसा सिस्टम के खत्म करने की बात पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। लास्ट ईयर पीछे जो एडमिशन हुई थी वो ही प्रोस्पेक्ट थे और उसी शेड्यूल से इस तरह भी वही एडमिशन हो रही है। हमें सुनने में मिला था कि बोला सेमेस्टर सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा, नए सिरे से एडमिशन होगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो नाम के लिए था, जैसे पहले एडमिशन होती इस तरह इस साल भी वही एडमिशन है, वही प्रोस्पेक्ट है और वही फीसें हैं। इस बार सुनने में आया कि फीस बढ़ सकती है और हमारे कुछ फंड भी लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी फंड, इसलिए सिर्फ नाम का बदलाव हुआ, बाकी कुछ भी नहीं। वही एडमिशन है, वही सब कुछ है, वही फीस है, वही प्रोस्पेक्ट है, सब कुछ वैसा जो पहले चला हुआ था वही चला हुआ उसी दौर। नहीं, जो प्रदेश सरकार ने वो सिर्फ एक बहकावा है दिया है, वो नाम के लिए बोला गया कि इस बार सेमेस्टर खत्म कर दिया जाएगा रूसा वैसा ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो प्रोस्पेक्ट में चेंज आना था, फीसों में चेंज होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मानने में ये कि सरकार का जो एक बहकावा है इसलिए बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और जैसे पिछले साल एडमिशन थी इसी साल वही शेड्यूल है, वैसे प्रोस्पेक्ट में सब कुछ वैसे चल रहा है, वैसे हो रही है जैसे पहले होती थी। पहला ही पैटर्न है, जैसे मेजर माइनर भर रहे थे पहले भी वैसे ही बच्चों को दिक्कतें भी आ रही हैं। ना हमें रूल्स दिए गए हैं कि एडमिशन ढंग से करवाने के लिए, हम धूप में बाहर यहाँ बेंचेस लगा के एडमिशन करवा रहे हैं बच्चों की। बच्चों को दिक्कतें तो आती है, जब फ्रेशर्स न्यू आते तो हम दिक्कतें तो उनको आनी है फॉर्म्स भरने में, तो हमारा संगठन जो इसके लिए हेल्प कर रहा है बच्चों की, ना हमें कोई रूम दिया गया है अवेलेबल करवाया गया है, हम लोग बेंचेस में बाहर धूप में एडमिशन करवा रहे हैं। इसमें कोई चेंज नहीं आया है, वैसे आ रहा है जैसे आ रहा था। रिजल्ट खराब आ रहे हैं बच्चों के, ढंग से नहीं आ पा रहे हैं क्लियर रिजल्ट। हम भी, मैंने बीएससी की इस कॉलेज में, हमारे भी रिजल्ट क्लियर नहीं आ पाए हैं अभी तक। सो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि रूसा को वापस ले लें और जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। मेरी तो यही मांग है हिमाचल प्रदेश से भी, और मैं अभी भी यही बोलूँगी, जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज में किस तरह बच्चे बाहर ही एडमिशन करवा रहे हैं, उनको कोई रूम अवेलेबल नहीं किया गया है कि बच्चों की ढंग से एडमिशन करवा सके। धूप में सभी बच्चे फॉर्म्स भर रहे हैं, कर ही सकते हैं बच्चों के लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रूसा सिस्टम वापस ले लो, इसके तहत जो है कि बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य का नाश हो रहा है। जिस 2018 का जो सेशन है इसमें एडमिशन है लास्ट ईयर की तरह हो गई, लास्ट ईयर जैसे लास्ट ईयर एडमिशन होती थी मेजर वाइज, इस साल भी मेजर वाइज एडमिशन है, बच्चे ले रहे हैं। और दूसरा, जैसे प्रदेश सरकार ने बोला था कि रूसा सिस्टम को खत्म कर देंगे, रूसा सिस्टम के तहत वार्षिक प्रणाली लागू कर देंगे। अब सेमेस्टर सिस्टम तो इन्होंने खत्म कर दिया है, पर सेमेस्टर सिस्टम मतलब सुचारू रूप से बच्चों को नहीं पता चल रहा है कि मतलब टीचर्स के पास कोई गाइडलाइन नहीं है इसके बारे में, नहीं बच्चों के पास कोई गाइडलाइन। मतलब सरकार ने रूसा सिस्टम बंद तो कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम भी बंद कर दिया, लेकिन जो ईयरली जो ना चलाए, लेकिन इसका यहाँ पर कोई भी मतलब किसी भी ढंग का ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सेमेस्टर सिस्टम जैसे पहले होता था वैसे ही एडमिशनें हो रही हैं यहाँ पर बच्चों की, और बच्चों को भी कोई कुछ पता नहीं चल रहा है। बार एडमिशनें जो पिछले साल एडमिशन हो रही थी उसी की तरह एडमिशन हो रही है, और जैसे कि प्रदेश सरकार ने कहा था कि रूसा सिस्टम बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया है, उसके बारे में अभी कोई पता नहीं चल रहा है। हमें बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, सिस्टम मतलब जो सिस्टम वाइज है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है और बच्चों के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है, हमें भी परेशानी आ रही है। जैसे एयर वाइज मतलब सिस्टम होता था वैसे ही कोई उसमें नहीं कोई बात नहीं आई है कि हाँ कि नए से सिस्टम बंद कर दिया है तो उसके ऊपर कोई नहीं बच्चों के लिए। आपको बता दें कि हमीरपुर डिग्री कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों को वार्षिक प्रणाली के आधार पर एडमिशन दी जा रही है, जबकि तीसरे व पांचवें सेमेस्टर के छात्रों को रूसा सिस्टम के तहत प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि कॉलेज में वार्षिक प्रणाली को लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, फिलहाल कॉलेज नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ही एडमिशन लेने में लगा हुआ है।